चैनल कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छा उपटन शेयर करने वाली हूँ, जिसे यूज कर आप अपने स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बना सकते हैं। इस उपटन को यूज करने के बाद अगर आपके फेस पे किसी भी प्रकार का दाग धब्बे हैं तो वो लाइट होने लगेंगे। ये उपटन बहुत ही पहले ज़माने से ही चला आ रहा है, जब हमारे नानी दादी के ज़माने से ये उपटन चला आ रहा है। उस समय जब महंगे प्रोडक्ट नहीं होते थे तो हमारी नानी दादी इसी प्रोडक्ट को, इसी उपटन को यूज कर अपनी स्किन की बहुत ही अच्छे से केयर करती थी। तो गाइज आज मैं उसी उपटन को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे यूज कर हम अपनी स्किन को बिल्कुल ही सुंदर और बेदाग बना सकते हैं। इसमें सभी जो भी चीज़ यूज होंगे वो सभी हमारे घर में ही मौजूद है और बिल्कुल ही नेचुरल और केमिकल फ्री हैं। तो गाइज चलिए देखते हैं कि इस उपटन को कैसे बनाना है, इसे कैसे अप्लाई करना है और इसे हम 1 वीक में हम इसे 3 बार लगा सकते हैं, जिसे हमारी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और सुंदर दिखेगी। तो गाइस चलिए देखते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि इस उपटन को हम कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक खाली बाउल लेना है। इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है आटा। आटा वही जो है जिसका हम रोटी हम खाते हैं। तो हमें 1 चम्मच आटा लेना है। आटा हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद, इसमें विटामिन ई के गुण होते हैं जो स्किन को बहुत ही क्लीन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। तो 1 चम्मच हम आटा लेंगे यहाँ पे। दूसरी जो चीज़ है वो है बेसन। इसमें हमें 1 चम्मच बेसन लेना है। बेसन हमारी स्किन को टाइट करता है, क्लीन करता है और फेयर बनाता है। तो गाइज हम 1 चम्मच बेसन लेंगे। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, वो हमारे स्किन को टाइट करता है और रिंकल फ्री बनाता है। तो गाइज हमें 1 चम्मच चंदन पाउडर लेना है। ये देखिए, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। उसके बाद हमें चाहिए रोज वाटर। रोज वाटर हमारी स्किन को टाइट करेगा, क्लीन करेगा और इसे गोरा बनाएगा। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच रोज वाटर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ लेना है रॉ मिल्क जो स्किन को फेयर बनाएगा। तो हमें यहाँ 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है। अभी ये ज़्यादा थोड़ा ठीक हो गया है, 1 चम्मच और हम दूध लेंगे। एक चीज़ यहाँ है कि अगर आप बड़ी उम्र की महिला हैं तो आप यहाँ दही भी ले सकते हैं। दही हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो आप यहाँ दही भी यूज कर सकती हैं, दूध के बदले दही भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसमें जो सब लास्ट चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है हल्दी। हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, वो हमारे कलर को साफ करता है। हल्दी हमें
कस्तूरी हल्दी लेना है, ये हमें थोड़ी सी लेनी है। ज़्यादा नहीं लेना है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा मिक्सर बनकर तैयार हुआ। इसे हमें वीक में 3 बार लगाना है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए और अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो गाय चलिए इसे हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर चलिए देखते हैं 10 मिनट बाद इसे कैसे अप्लाई करना है और इसे कैसे हटाना है। तो गाय चलिए 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। हेलो गाइज, तो देखिए ये मेरा बहुत ही अच्छा उबटन बनकर तैयार हो गया है। उबटन हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, वो हमारे स्किन के दाग धब्बों को भी हटाता है। तो गाइज आपने देख लिया कि इसे कैसे बनाना है, अब चलिए देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अपने फेस को हमें क्लीन करना है। कोई भी उबटन हो या फेस पैक हो, उसे लगाने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइज चलिए पहले फेस को क्लीन कर लेते हैं। इसमें मैंने रोज वाटर और पानी भर कर इसे फ्रिज में रख देते हैं। फेस को जब भी क्लीन करना हो तो इसे स्प्रे कर अपने फेस को क्लीन कर ले। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है। फेस को क्लीन करते समय हमें गर्दन को नहीं भूलनी चाहिए, हर चीज़ को हमें गर्दन पर भी लगानी चाहिए। ये देखिए फेस को मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद हमें इस उबटन को इसे अच्छी तरह फेस पे अप्लाई कर लेना है। एक मोटी लेयर लगा लीजिए। ये देखिए मैंने लगा लिया है। इसे हमें 20 मिनट तक छोड़ देना है। मिलते हैं फिर 20 मिनट बाद, तब तक पैक मेरा ड्राई हो जाएगा। तो पैक मेरा ड्राई हो चुका है, चलिए देखते हैं इसे कैसे हटाना है। पहले हम अपने फेस को गीला कर लेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छी तरह मसाज करो।
अच्छी तरह मसाज कर इसे अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह मसाज कर इसे हटाना है। इस तरह हटाने से होता है पूरी स्किन की अच्छी सफाई हो जाती है। तो गाइस देखिए मैंने अपना फेस को अच्छी तरह साफ कर लिया है। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी है। और इसे अपने इसे आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं, तब देखेंगे आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। आप 15 दिन इसे करके देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका कितना फायदा हुआ। तो गाइस वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।